हाँ, हमें बोला गया कि मीटिंग के नाम पर बुलाया गया और अचानक से यहाँ पे नज़रबंद करके रख लिया, जैसे कि कोई कैदी को रखा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन को अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या, खुद की काबिलियत पे भरोसा नहीं है क्या, जो प्रत्याशी को ही नज़रबंद किया जा रहा है। चलो, दूसरी चीज़ ये है कि एक और यहाँ पे हम नज़रबंद हैं, दूसरी ओर कम से कम निष्पक्ष काम होना चाहिए। अभी 5 मिनट पहले की घटना है कि खड़ीत की पोलिंग से जो 2-स्टारवां दरोगा है अटेर का, जितेंद्र तोमर, उसके द्वारा वहाँ पर मेरे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को उठा लिया गया है। मैंने अभी आईपीएस जो पर्यवेक्षक है उनको फ़ोन किया तो उनका ये कहना है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी की शिकायत आई। तो मैंने कहा गड़बड़ी की शिकायत आई तो आप पीटासीन अधिकारी पे कार्रवाई करिए, ये जिम्मेदारी उसकी होती है कि पोलिंग बूथ के अंदर गड़बड़ी नहीं हो। पूरी तरीके से जो है पुलिस की मिलीभगत से ये जैसे जितेंद्र तोमर सरी के लोग जो हैं ये वहाँ पर निष्पक्ष मतदान नहीं होने में मदद करवा रहे हैं, वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ये अटेर में है जितेंद्र तोमर, 2 स्टार है वहाँ पर, और इसको पोस्टिंग ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाई है इसीलिए कि चुनाव को प्रभावित कर सके, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उपचुनाव के टाइम पे भी यही चीज़ हुआ था, उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी और ये लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। इस कारण से ही मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ बैठा लिया, अधिकारियों को छूट दे दिए गड़बड़ गाढ़ा करने के लिए।